नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं कुंतल चक्रवर्ती। और हमारे साथ है देश के वो दो एथलीट जिन्होंने आज टोक्यो में देश का नाम रोशन किया है। एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला है भारत को शूटिंग में, और गोल्ड मेडल जीता है मनीष नारवाल ने और सिंगराज अधाना ने सिल्वर मेडल। और सिंगराज के इस टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में ये दूसरा मेडल भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। और क्या एक मोमेंट है, एक इवेंट से दो दो मेडल, क्या कहेंगे, बेहतरीन एक पल भारतीय खेलों के लिए। जी, सबसे पहले तो आप सब और भारतीय वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों के प्यार की बदौलत हम इतना अच्छा कर पाए। मनीष, आप क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल, अब तक चार गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत, मेडल टेबल पर ऐसा लग रहा है कि टॉप के 10 या 15 कंट्रीज में आ सकता है भारत, एक ट्रिमेंडस अचीवमेंट, क्या कहेंगे? अच्छा लगा सर, हमने मतलब देश के लिए मेडल जीता, और सिंगराज भी और मैंने एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीता, ये खुशी का मोमेंट है। और हमारी वजह से अगर मतलब इंडिया का फ्लैग ऊपर गया और राष्ट्रीय गान भी हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा, और सेलिब्रेट भी करेंगे हम। देखिए, शूटिंग में आसान नहीं होता है सिंगराज, क्योंकि शुरू से आखिर तक आपको कंपोजर पकड़ कर रखना होता है। एक दो शॉट इधर उधर अगर चूके कोई भी शूटर्स तो आप नंबर वन से सीधा नंबर 8 पर 10 पर जा सकते, इतना डिफिकल्ट है शूटिंग की जो इवेंट है, तो वहाँ शुरू से आखिर तक इस तरह पेशेंस बरकरार रखना और मेडल जीतना कितना मुश्किल होता है। आप दोनों के लिए, दोनों से ये सवाल करूँगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है शूटिंग, नहीं तो सभी गेम में काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन जो शूटिंग है अपने आप में बहुत ही दूसरे गेमों से एक अलग है। इसमें बहुत ही धैर्य और शांति का परिचय देना होता है। जो अन्य जो गेम है उसमें उत्साह ज़्यादा चाहिए, आप पूरे जोश के साथ फाइट कर सकते हैं, इसमें जोश के साथ होश भी चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा जो पहलू है शूटिंग में, आपका ब्रीथिंग का, बॉडी अलाइनमेंट का, बॉडी स्ट्रेच, और यहाँ तक कि आपका आई फोकस कितना अच्छा है, दिमाग आपका उस समय कितना शांत है, ये सभी बहुत मायने रखते हैं। और खासकर जो 50 मीटर इवेंट है वो तो आउटडोर इवेंट है, उसमें वातावरण का भी काफ़ी असर रहता है। जैसे कि 31 तारीख से लगातार मौसम खराब है, बारिश लगातार हुई है, सूरज नहीं निकला है, इसका भी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत असर पड़ता है हमारे गेम। मनीष, क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ से भारतीय पैरालंपिक स्पोर्ट जो है कहाँ पहुँच सके, क्योंकि देखिए इतना इतना अच्छा किया है यहाँ भारतीय पैरालंपिक जो एथलीट्स हैं वो, और 54 एथलीट्स इस बार हिस्सा लिया था, अब तक 18 मेडल कंफर्म हो चुके हैं और लग रहा है कि 20 मेडल भी हो सकता है। और क्या आपको लगता है यहाँ से एक अलग लेवल पर चला जाएगा भारतीय जो पैरालंपिक स्पोर्ट है? हाँ, मतलब जो पैरालंपिक्स में आपके बार जो प्रदर्शन रहा इंडिया का वो पिछले बार से बहुत ही अच्छा रहा है, और अब तक मतलब जितने भी मेडल जीते थे, जितने 2016 मतलब 2020 से जितने भी पहले थे, लगभग उतने मेडल हमने एक बार में जीते हैं। और सिंगराज, हाँ मनीष, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, आगे जो है, आगे भी हम इसी तरीके से मेडल जीतते रहेंगे, और डेफिनेटली अगली बार भी हम इससे ज्यादा मेडल जीत पाए। सिंगराज, क्या आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस किया है भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक्स में या फिर पैरालंपिक्स में टोक्यो में, तो इसके बाद पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में लोग कहेंगे कि हाँ, भारत भी एक स्पोर्टिंग नेशन है, यहाँ के जो एथलीट्स हैं ये टॉप क्लास परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो परसेप्शन है भारतीय खेलों को लेकर जो परसेप्शन है ये पूरी दुनिया में अभी बदल जाएगा? ये कहने लगे अब जो सम्मान, हिंदुस्तानी जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो लगने लगा पूरे विश्व को, कि हिंदुस्तान सभी चीज़ों में बहुत आगे चल रहा है, और खासकर स्पोर्ट्स में भी उन्होंने नया अचीवमेंट लिया है, तो इसका सारे श्रेय हमारे देशवासियों को, सरकार को जाता है, जिससे लग रहा है
कि अब देश नहीं ऊंचाई जरूर छुएगा, क्योंकि आप जैसे छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे हमारे पहले पीसीआई के जो प्रेसिडेंट होते थे वो राजनीति के संबंध रखते थे, वो एथलीट्स को या उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाते थे। अब भारत सरकार के कदम देख लीजिए कि अब मैं जो दीपा मलिक जी है वो एक एथलीट्स नहीं है, और उनको जो एक खिलाड़ी को ही सम्मान बनाया पीसीआई के प्रेजेंट बना के ये अपना बहुत बड़ी बात है। और जैसे हमारे शूटिंग में चेयरपर्सन है हमारे नोटियाल जी, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, 35 साल उन्होंने शूटिंग में गुजारे हैं, और वो एक मिलिट्री से रिटायरमेंट है, बहुत अनुशासन जीवन इन लोगों ने दिया है। तो उसी का परिणाम है सर, जो पैराशूटिंग इतनी और अदर गेम स्पोर्ट्स इतना बढ़ रहा है, और पीसीआई जो हमारा पैरालंपिक जो टीम है वो इतने सारे मेडल ले पाई है, उसी का कारण है भारत सरकार जो पॉलिसी बहुत सही दिशा में जा रही है। आखिरी दो सवाल, एक सवाल ये कि हरियाणा के जो एथलीट्स हैं इनमें खास क्या है, बार बार हरियाणा के एथलीट्स इस तरह के परफॉर्मेंस कैसे कर पा रहे हैं, खास क्या है हरियाणा के एथलीटों में? सबसे ज्यादा आप एक चीज समझते होंगे कि हर व्यक्ति को जरूरत है एक आर्थिक मदद, और अपने देश अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए जरूरत है, क्योंकि जो गेम है अगर आपको परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, तो आप गेम नहीं कर सकते, आप पूरा फोकस उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉस पेट अगर खाली है तो भजन नहीं हो सकते। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है उसने पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है कि अगर एथलीट का सम्मान करें और उसकी ज़रूरतें पूरी समय पर हो जाए तो ये जो मेडल की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो हरियाणा सरकार का जो कैश प्राइज मनी है वो आज के समय भी मैं मानता हूँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, और सबसे अच्छी पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा की सरकार ने दी है, और आज भी हरियाणा सरकार तत्पर रहती है हमेशा एथलीट्स के साथ लगे रहने के लिए। एक आखिरी सवाल ये कि हरियाणा के अब हर यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जाकर एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में मेडल ला सकता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि 3 साल बाद जब ओलंपिक गेम्स होना है या फिर पैरालंपिक गेम्स होना है पेरिस में, तो वहाँ सिर्फ हरियाणा से ही 20-25 मेडल ला सकता है? सर मैं तो मानता हूँ 50 से ज्यादा आएंगे, क्योंकि हरियाणा के जो एथलीट्स है उनका जुनून देखने लायक है, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में जो चीज है वो दही दूध का खाना है, नशा का नहीं है सर। यहाँ का जो यूथ है वो दीवाना है देश का तिरंगा ऊंचा करने में, उसको भूख बढ़ रही है मेडल की, और जब भूख बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ अपने आप सब कुछ बदल जाना है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, मनीष और सिंहराज बहुत सेलिब्रेट कीजिए इस मोमेंट को, देश भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी सेलिब्रेट कीजिए, और जरूर मिलेंगे जब आप वापस आ रहे हैं, जब आप वापस आएंगे दिल्ली में वापस आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय जय भारत। थैंक यू। ABP News, आपको रखे आगे।